अभी इस हेयर एंड ब्यूटी फैमिली सैलून। ब्राइडल मेकअप हो या स्पा, हेयर कटिंग हो या नेल एक्सटेंशन, मेट्रो सिटीज की तर्ज पर अवीज हेयर एंड ब्यूटी फैमिली सैलून लेकर आया है वो सब कुछ जो बनाता है आपको और भी खूबसूरत। जी हाँ, अवीज हेयर एंड ब्यूटी फैमिली सैलून, बॉम्बे बाजार गांधी वॉच के सामने। बच्चों में धार्मिक संस्कार दृढ़ता से, कट्टरता से देना, ये माता बहनों की और परिवारजनों की जिम्मेदारी। और संस्कारों की कट्टरता सीखना हो तो मुसलमानों को अपना आदर्श बनाओ। जो समय तय है उस पर टोपी धरेंगे, उनका छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, व्यापारी हो, अधिकारी हो, दुनिया के सब काम छोड़ेंगे और जाके नमाज पढ़ेंगे। और आप और हम, गांव में मंदिर बनाने का तो हमको शौक है पर आरती में जाने का कोई शौक नहीं। वो बयान ऐसा नहीं है, हम जिस किसी मत पंथ में जन्मे हैं उसकी प्रार्थनाएं सबने कंठस्थ करना चाहिए, अपने धार्मिक अनुशासन का पालन सबने करना चाहिए। दृढ़ अनुशासन है उनका, देखिए आप, यदि 5 बार नमाज पढ़नी है तो वो ठीक वक्त पर पहुंच जाते हैं। तो वैसा अनुशासन, वैसी दृढ़ता, वैसी संकल्पबद्धता संपूर्ण हिंदू समाज में भी व्याप्त होनी चाहिए। और हम जिस मत पंथ में जन्मे हैं उसकी कोई न कोई प्रार्थना कंठस्थ करके अपना आध्यात्मिक विकास करते हुए राष्ट्र हित के कार्य में लगना चाहिए। कि मंदिरों में भी जो पुजारी हैं उन सबको इस काम का लक्ष्य दिया हुआ है कि आसपास के बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को आध्यात्मिक संस्कारों से प्रशिक्षित करें। धर्मावलंबी हो अगर वो प्रार्थना कर रहा है, जैसे मुसलमान भी हैं, अगर मस्जिद जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो इसमें कट्टरता कहाँ नजर आती है? कट्टरता आप गलत संदर्भ में ले जा रहे हैं, अनुशासन है उनका कि वो उस वक्त पर जाते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि उनसे प्रेरणा प्राप्त करके हर मत पंथ के लोग उतने ही अनुशासित हो जाएं।